ये रेडी हो चुका। और इसमें हम डाल देंगे एक तुलसी पत्ता, इसके बिना तो प्रभु भोग भी स्वीकार नहीं करते। ये ना हरे कृष्णा राधे राधे कृष्ण दास की चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आज बनाते हैं जन्माष्टमी स्पेशल प्रसाद, यानी कि धनिये की जो पंजीरी होती है आप वो भी बोल सकते हैं, कई लोग बर्फी जमाते हैं वो भी कर सकते हैं। तो चलिए दी स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। सबसे पहले देसी घी ले लिया है मैंने, फिर धनिया पिसा हुआ ले लिया। आप साबुत लेके घर में पीस सकते हो, थोड़े से मखाने और थोड़े से ये मगज। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप जो पसंद करते हो आप वो भी डाल सकते हो, नारियल भी डाल सकते हो, बादाम भी डाल सकते हो, लेकिन मैं यही डाल रही हूँ। ये देखिए, तो कढ़ाई ले लिया फटाफट से, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे और ये रेसिपी रेडी। और बहुत इजी है, बहुतों को आती है, लेकिन सिखांड यानी कि बूरा ले सकते हो, नहीं तो चीनी को भी घर में पीस सकते हो आप बाद में। चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कढ़ाई है, अब इसमें घी डालते हैं। चलिए जी घी डाल लेते हैं। तो थोड़ा मैं घी इतना डाल रही हूँ जितना मुझे थोड़ा सा मखाने भी इसमें रोस्ट करने हैं, ठीक है। तो बस घी गर्म हो गया है, देखिए, और गर्म होते ही थोड़ा सा हल्का गर्म हो जाए थोड़े से मखाने में डाल लूँगी इसमें। तो फटाफट से ये अब मैं इसमें डाल लेती हूँ धनिया, जितना आप बनाना चाहें खाना चाहें उतना कर। देखिए मैंने धनिया घी में डाल लिया है और खुशबू तुरंत ही आने लग जाती है। आप अगर आप बर्फी जमाना चाहें तो बर्फी भी खा सकते हैं और इस तरह से भी। अब मैं ये जो बीज है तो ये देखिए, अब इसमें ये अच्छे से गर्म हो जाएंगे, नहीं तो ऐसे तलो तो फिर ऐसे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है ना, जलने का डर रहता है। तो ये इतना गर्म है धनिया, तो ये बीज अपने आप ही इसमें अच्छे से हो जाएंगे। और ये प्रभु का प्रसाद है, पंचामृत भी आप इसी तरह बना सकते हैं, दूध दही घी शहद शक्कर मखाने डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट डाल जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। बस इसमें अब खुशबू बहुत अच्छी आने लग गई है, ये देखिए। और जब हमें लगे थोड़ा बीज फूलने लग गया है वो पता लग जाए, अब इसमें हम ये जो मखाने ऐसे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा क्रश करके डालूंगी, तोड़ोगे तो टूट जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, ये देखिए। तो हाथ से भी आप तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इस तरह से डाल रही हूँ, देखिए आवाज़ आ रही है, बीज चटक रहे हैं ऊपर से। इसमें बूरा डाल सकते हैं, बूरा डाल सकते हैं आप, चीनी को पीस के भी आप डाल सकते हैं, जितना मीठा खाते हैं उस हिसाब से, ठीक है। और ये देखिए रेडी हो चुकी है कन्हैया के कृष्ण जन्माष्टमी की पंजीरी धनिये की। और ऐसी ये खिली खिली अच्छी लगती है, इसलिए ऐसी बनाई। ये देखिए, और ये देखिए रेडी भगवान जी का प्रसाद तैयार। और ये रेडी हो चुका। और इसमें हम डाल देंगे तुलसी पत्ता, इसके बिना तो प्रभु भोग भी स्वीकार नहीं करते। ये ना हो तो तुलसी माला भी आप रख सकते हैं। तो कैसी लगी धनिया की पंजीरी, जरूर से बनाएं आसान तरीके से, आप भी इसी तरह। जय श्री राधे। कमेंट में बताना आपको कैसी लगी। बनाते हैं कन्हैया जन्माष्टमी का मक्खन। तो ये मलाई फ्रेश मलाई मैंने ली है, बाकी मेरी पहले की भी रखी हुई थी लेकिन मैं उसका बाद में निकालूंगी, लेकिन कन्हैया के लिए फ्रेश मलाई एक कटोरी भर के निकली थी। तो उसका मैं मक्खन निकालती हूँ। और आज मेरे कन्हैया के नाम की मेहंदी लग गई है, लेकिन बाद में आपको मैं दिखाऊंगी कैसे लगाई है, ठीक है। तो चलिए जी मक्खन निकालते हैं। और जल्दी लगाने का तरीका यह है, मिक्सी में डालो और फटाफट निकालो, ठीक है जी। तो कई लोग हाथ से भी निकालते हैं बर्फ़ डाल के, आप ऐसे भी कर सकते हो, गर्मी है निकल जाएगा जल्दी, लेकिन इससे निकलता है जस्ट 1 मिनट, ठीक है, क्योंकि ज़रा सही है। और ये मैंने मलाई डाल दी है 1 कटोरी, और थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, आधी कटोरी से भी कम। अगर वैसे तो मैंने फ्रिज में से निकाली है इसलिए नॉर्मल पानी डाल रही हूँ, लेकिन आपकी अगर मलाई का घी पहले ही निकल रहा है तो ठंडा डालना बर्फ़ वाला पानी, तो झट से निकलेगा। अब मैं जार बंद कर देती हूँ और चलिए जी अब करते हैं स्टार्ट। तो जब आपका मक्खन निकल जाएगा तो इसकी आवाज़ कुछ अलग हो जाती है, भारी सी। मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ और मैं सुनाती हूँ जब आवाज़ इसकी चेंज हो जाती है तो कैसी आवाज़ आती है। तो मैंने आपको इसकी आवाज़ सुनाई, चेंज हो जाती है एकदम। तो ये देखिए रोशनी ज़्यादा आ रही है, तो मैं आपको ये दिखाऊँ,
ये आ गया हमारा एक कटोरी मलाई का मक्खन, जितना हमें जन्माष्टमी फिलहाल के लिए चाहिए उतना ताज़ा रेडी हो चुका है, क्योंकि फ्रेश मलाई निकाली थी मैंने, देखिए। तो अब इसको दो तीन बार धो के जब तक पानी बिल्कुल क्लियर ना हो जाए, ठंडे पानी में धोना क्योंकि गर्मी है तो वरना पिघलता रहता है, जिसमें मैंने ठंडा पानी डाला। अब ठंडा पानी डालना, क्योंकि मैंने पहले निकाला तो नहीं निकल रहा था, फिर ठंडा पानी डालना पड़ा मुझे क्योंकि थोड़ा टेम्परेचर ऐसे ही था। तो ये देखिए, ये पूरा एक मुट्ठी निकल चुका है मक्खन। अब इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और फिर एक्स्ट्रा भी होगा वो निकाल लेंगे और धो के रखेंगे और कन्हैया को भोग लगाएंगे जन्माष्टमी पे। देखिए जी, इस तरह पानी डालेंगे ठंडा। अगर आप ठंडा पानी डालते, देखो मैंने ठंडा पानी डाला तो और भी ज़्यादा निकल के हाथ में आ गया और इस तरह से लड्डू बन जाएगा। तो ठंडे पानी में धोना आप, क्योंकि गर्मी है और सर्दी में तो नॉर्मल पानी में भी चल जाता है और थोड़ा गुनगुना पानी भी कई बार करना पड़ जाता है। तो ये लड्डू हमारा तैयार हो गया है। तो इस तरह से आप माखन निकाल सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो मैं लड्डू बना के, जब बहुत सारी मलाई से बनाती हूँ तो आपने देखा होगा कई सारे लड्डू बना के अलग अलग रख लेती हूँ छोटे छोटे, ताकि रोज़ एक लड्डू निकालो और भोग लगा दो। तो मैं धो लेती हूँ अच्छे से और देखिए जी, ये हम लड्डू डाल देंगे मक्खन का कटोरी में। ये चांदी कटोरी है, इसे मैंने डाल दिया है और लाइट ज़्यादा हो रही है तो इसलिए आपको पीला पीला सारा दिख रहा होगा। ये देखिए, तो अब इसमें रखेंगे तुलसी पत्ता और मैंने मक्खन पहले का 3-4 दिन की मलाई जोड़ रखी थी उससे मैंने इस तरह से मक्खन के लड्डू बना के रख लिए हैं, जो मैं जन्माष्टमी के बाद एक एक करके भोग लगाऊंगी। तो ये देखिए, इस तरह से आप छोटे छोटे लड्डू बना के भी मक्खन लड्डू बना के मिश्री बाद में डाल सकते हो, जब आप भोग लगाओ तो आप इस तरह से रख सकते हो। जय श्री राधे। बताना आपको कैसी लगी रेसिपी।